Hey everyone, hope you guys are doing absolutely fine. Welcome back to the channel. 2022 शुरू हो चुका है ऑलरेडी. सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं. 2022 की ये पहली वीडियो है. 2022 की पहली वीडियो बनाते समय थोड़ा कंफ्यूज था मैं सोच रहा था कि अपनी ऑडियंस के लिए क्या ऐसी बेस्ट चीज लेके जाऊं जो उनको पसंद आए. तो फाइनली इस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हूँ. वीडियो का टाइटल देख के ऑलरेडी समझ आ गया होगा कि वीडियो किसके बारे में होने जा रही है. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसे बेहतरीन कैटेगरीज जो 2022 में बहुत अच्छा कर सकते हैं YouTube पे. अगर आपने भी सोचा है कि अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाने की, तो ये पांच बेहतरीन आइडियाज आपकी मदद कर सकती हैं. अगर आपको ऑलरेडी क्लियर है कि किस कैटेगरी में आपको अपना चैनल बनाना है, तो बहुत बढ़िया, आप करिए, बहुत अच्छे, हमारी शुभकामनाएं आपको. लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं, यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन कैटेगरी सही से चूज नहीं कर पा रहे कि कौन सी कैटेगरी पे आपको काम करना चाहिए, तो मैं आपको दूंगा ऐसे पांच बेहतरीन आइडियाज कैटेगरीज के बारे में जो 2022 में मेरे हिसाब से बेस्ट रहने वाली है. ये जो पांच बेहतरीन कैटेगरीज मैं बताने वाला हूँ, ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा कर सकती हैं अगर आप इनको सही तरीके से कंटेंट देते रहे. तो बढ़ते हैं अपनी पहली कैटेगरी की तरफ. मेरी पर्सनल चॉइस जो पहली कैटेगरी है वो है अनबॉक्सिंग और रिव्यू की. अनबॉक्सिंग और रिव्यू में बेसिकली प्रोडक्ट्स का रिव्यू और अनबॉक्सिंग करना पड़ता है. ये कैटेगरी एवरग्रीन कैटेगरी है, मतलब इस कैटेगरी में आपको अच्छे सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे, अच्छे व्यूज भी मिलेंगे और साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से पैसा भी कमाया जा सकता है. पहली चीज बताता हूँ पैसे कैसे कमाया जा सकता है. सबसे पहली चीज आती है पैसे कमाने का जरिया इस कैटेगरी में, सबसे पहला है चैनल मोनेटाइजेशन, यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन, जिसके थ्रू एड्स आते हैं और एड्स का रेवेन्यू आपको मिलता है, जो हर किसी को ऑलरेडी क्लियर है. दूसरी चीज आती है स्पॉन्सरशिप. स्पॉन्सरशिप के जरिए आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो अपना खुद का. मतलब बहुत सारे ऐसे स्पॉन्सर्स मिलते हैं जो बार्टर बजट्स पे आपको प्रोडक्ट देते हैं और उनका रिव्यू आपको करना पड़ता है. मतलब वो चेक करते हैं कि आप इसको यूज करिए और इसका रिव्यू हमारे लिए आप अपने चैनल पे करिए. तीसरा जरिया इसी कैटेगरी में जो पैसे कमाने का आता है, वो आता है एफिलिएट मार्केटिंग. एफिलिएट मार्केटिंग में मोटा मोटा बता देता हूँ क्या होता है. आप किसी भी प्रोडक्ट का अगर लिंक देते हैं जो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, वो प्रोडक्ट उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में देते हैं और वहां से जाके अगर कोई उस प्रोडक्ट को परचेज करता है तो उसका थोड़ा बहुत रेवेन्यू आपको भी मिलता है. लेट्स से अगर 1000 रुपए की चीज है और उस प्रोडक्ट पे फाइनलाइज है कि 5 से 10% जो है आपको एफिलिएट इसका पैसा मिलेगा, तो 5 से 10% आप मोटा मोटा लगा लीजिए. 5% हुआ तो 50 रुपए, 10% हुआ तो 100 रुपए आपको उससे मिलेगा. बढ़ते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ जो मेरा पर्सनल फेवरेट है और मेरा चैनल भी उसी कैटेगरी पे है, व्लॉगिंग कैटेगरी. व्लॉग्स को मैं तीन सब कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा यहाँ पे. एक होता है ट्रेवल व्लॉग्स, एक होता है मोटर व्लॉग्स, एक होता है फूड व्लॉगिंग और एक होता है डेली व्लॉग. बेसिकली ये चार कैटेगरीज हैं जिसमें ये व्लॉगिंग डिवाइड है. मैं पर्सनली डेली व्लॉग्स करता हूँ, कई बार फूड व्लॉगिंग भी उसी में इंटीग्रेट कर देता हूँ क्योंकि मुझे चारों व्लॉग्स बहुत ज्यादा पसंद है. ट्रैवल व्लॉग्स भी, फूड व्लॉगिंग भी, डेली व्लॉग्स भी और आपका मोटर व्लॉग भी. मोटर व्लॉग अभी तक करने का मौका नहीं मिला. ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा है व्लॉगिंग का क्योंकि आजकल की डेट में हर कोई घर पे ही बैठा है और हर किसी के पास फ्री टाइम है मोबाइल को स्क्रॉल करने का. लाइफस्टाइल व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं और वही चीज मैं अपने व्लॉग्स में भी डालता हूँ जो कि लोगों को काफी पसंद आ रहा है. इस व्लॉग्स में कमाने का सिर्फ और सिर्फ तरीका एक ही है, मोनेटाइजेशन. मोनेटाइजेशन के बाद आपको स्पॉन्सर्स भी मिल सकते हैं अगर प्रॉपर मोनेटाइज होने के बाद अच्छे खासे व्यूज आ गए आपके चैनल पे, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स आ गए आपके चैनल पे, तो आपको पर्सनली स्पॉन्सर्स के भी मेल आ सकते हैं आपकी ईमेल आईडी पे. तीसरी कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है 2022 के लिए क्योंकि हमने देखा है 2020 में भी ये कैटेगरी ग्रो की है, 2021 में भी ये कैटेगरी ग्रो की है और 2022 में फुल्ली ग्रो होने वाली है. कैटेगरी बहुत पीक पे होने वाली है 2022 में ये वाली कैटेगरी. रीजन इसका मैं बाद में बताऊंगा, पहले बताता हूँ ये कौन सी कैटेगरी. ये है गेमिंग कैटेगरी. अगर आप गेम्स खेलना पसंद करते हैं और उनको ही आप अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं तो उन पे भी अच्छे खासे व्यूज आते हैं, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स गेन मिलते हैं. उसका रीजन मैं बताता हूँ क्या है. 2020 में लॉकडाउन शुरू हुआ था, 2021 भी ऐसा ही गया है, बच्चे सब घर पे ही थे, छोटे बच्चे 12 तक या कॉलेज वाले बच्चे भी सब घर पे ही रहे और उस कैटेगरी को ये वाली जो जॉनर है, ये वाली जो कैटेगरी है गेमिंग कैटेगरी, उस वाले एज ग्रुप को देखना बहुत पसंद है. जो हमारी यंग जनरेशन है, यूथ है, उनको देखना बहुत पसंद है. 2021, 2020 और 2022 तीनों ही साल में वो लोग फ्री रहे, घर पे रहे और पेरेंट्स के फोन उनके हाथ में रहे, तो इसी वजह से ये सारी कैटेगरीज इतना ग्रो की हैं 2020 में, 2021 में और 2022 में भी ये ग्रो करने वाली है
ये वाली गेमिंग कैटेगरी। अभी ऑलरेडी कंट्री में सिचुएशन ऐसी है कि लॉकडाउन कभी भी लगाया जा सकता है, मतलब फुली लॉकडाउन नहीं, पार्शियल लॉकडाउन कभी भी लगाया जा सकता है कंट्री में। तो उसकी वजह से सारे बच्चे फिर से घर पे रहने वाले हैं, पेरेंट्स के फोन आने वाले हैं बच्चों के हाथ में, और बच्चे यूट्यूब स्क्रोल क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ गेमिंग वीडियो। तो ये चैनल भी बहुत अच्छा बूम कर सकता है 2022 में। चौथी जो कैटेगरी आती है वो है कुकिंग वीडियोस या फिर कुकिंग ट्यूटोरियल्स की। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये फीमेल ओरिएंटेड कैटेगरी है, काफी मेल्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं इस कैटेगरी में कुकिंग वीडियोस या कुकरी वीडियोस। आप जो भी घर का खाना वगैरह बनाते हैं आप उसकी वीडियोस अच्छे से शूट कीजिए। आलू टमाटर भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि किस तरीके से बनाए जाते हैं, और वो वीडियोस पे अच्छे व्यूज भी आते हैं, उनसे सब्सक्राइबर्स गेन भी बहुत अच्छे से होते हैं। YouTube पे अगर आप चाह रहे हैं 2022 में शुरू करना, आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर आप सिर्फ घर में ही रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी कैटेगरी हो सकती है आपके लिए कुकिंग वीडियोस बनाने का। इसमें आप कुछ भी कुक करके दिखा सकते हैं। लेट्स से अगर आप नॉनवेज बहुत अच्छा बनाते हैं तो नॉनवेज बनाने की वीडियोस भी आप डाल सकते हैं चैनल पे। आप वेजिटेरियन हैं, वेजिटेरियन की वीडियोस भी, जैसे मलाई पनीर, शाही पनीर या कोफ्ता, दम आलू, ये सारी वीडियोस YouTube पे बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छे व्यूज लेके आती हैं और बहुत अच्छे से इनका चैनल भी ग्रो होता है। तो ये कैटेगरी भी बहुत अच्छा कर सकती है अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप घर में ही रहती हैं और सोच रही हैं 2022 में अपना खुद का YouTube शुरू करने की, तो ये कैटेगरी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। पांचवी और लास्ट कैटेगरी की तरफ आता हूं मैं, हाउ टू ट्यूटोरियल के ऊपर वीडियोस बनाना। हाउ टू ट्यूटोरियल मतलब ये कैसे करें, मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाएं, यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन कैसे करें, इस टाइप की वीडियोस भी बहुत चलती हैं। इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिक व्यूज कैसे लेके आए, इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिक फॉलोअर्स कैसे लेके आए, यूट्यूब पे ऑर्गेनिक व्यूज कैसे लेके आए, गूगल एडसेंस क्या होता है, कैसे किया जाता है गूगल एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, ये कुछ एग्जांपल दिए। आप कुछ और भी कर सकते हैं, लेट्स से गाड़ी की स्टपनी कैसे बदली जा सकती है, ये भी एक टॉपिक है। ये चैनल भी काफी सर्च में जाते हैं और काफी पॉपुलैरिटी है इन चैनल्स की। मैं खुद कई सारी चीजें जो मुझे नहीं आती मैं यूट्यूब पर सर्च करता हूँ, गूगल करता हूँ, तब जाके वीडियोस देख के मुझे समझ आती हैं चीजें। आप ट्यूटोरियल वीडियोस भी बना सकते हो, ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, विंडोज को कैसे इंस्टॉल करते हैं, मैक पे FCP कैसे इंस्टॉल करते हैं, एडोब प्रीमियर प्रो कैसे काम करता है, इस टाइप की वीडियोस भी हाउ टू डू की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है इन सब चीजों की तो आप वो चीजें इसमें हाउ टू डू कैटेगरी में डाल सकते हैं और ये चैनल मेरा अंदाजा है कि बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे 2022 में। तो ये थी पांच ऐसी बेहतरीन कैटेगरी जो मुझे लगता है 2022 में बहुत अच्छा ग्रो करने वाली हैं। आपको इनमें से कौन सी कैटेगरी पसंद आई और किस पे आप बनाना चाहते हैं अपना YouTube चैनल, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज धन्यवाद।